नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इलेवन में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में दिखा बारिश और वज्रपात का कहर। मंगलवार की सुबह राजधानी पटना, जहानाबाद समेत कई जिलों में हुई भारी वर्षा। अलग अलग जिलों से 8 लोगों की हुई मौत। बारिश में रबी फसल की हुई काफी नुकसान। लॉकडाउन के बीच सोमवार को पहली बार देश में खूब बिकी शराब। शराब बेचने में कर्नाटक रहा अव्वल। यहाँ एक दिन में बिकी 45 करोड़ रुपए की शराब, जहां एक शख्स ने 50,000 से भी अधिक की खरीदारी। मुश्किल में खरीदार। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की योजना तैयार में है। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज और नौसेना के जहाजों से भारत लाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 मई से होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने वाले एएसआई को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया था अभद्र पोस्ट। ग्रेटर नोएडा जिम्स अस्पताल के 2 स्वास्थ्यकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी हुए नाराज। प्रशासन पर लगाया घटिया पीपीई किट देने के आरोप। नाराज डॉक्टरों ने किया धरना प्रदर्शन। देश में लॉकडाउन के बीच आर्थिक संग में जूझ रहे बाजार में आज सोना फिर हुआ सस्ता। मंगलवार को सोना 170 रुपए गिरा तो चांदी 590 रुपए की हुई कटौती। हालांकि सोमवार को सोना के दामों में दिखी थी तेजी। कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते अर्थव्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वेट को बढ़ाया, जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। सोमवार को बड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार ने किया रिकवरी। मंगलवार को सेसेक्स 261 अंक लुढ़क कर 31,453 अंक पर हुआ बंद। देश में लॉकडाउन के कारण नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब ऐसे लोगों को मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अब लोगों को देगी राहत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में शहीद बिहार के 2 सीआरपीएफ जवान। वहीं शहीदों की सूचना के बाद दुखी हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। शहीदों के प्रति व्यक्त की संवेदना। कहा, देश बिहार के लालों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इलेवन के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।